बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है बलूचिस्तान और बलूचिस्तान सुपर लीग सीज़न वन का इनका किया जा रहा है और बड़ी उम्दगी से इवेंट जो है आगे प्रोसीड कर रहा है सक्सेस के साथ। उसमें हमें बड़े बड़े स्टार देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे तारुफ के मोहताज ने जलाद खान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, जिन्होंने जो है क्वेटा ग्लेडिएटर की जानब से जो है वो खेल चुके हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में भी एक बड़ा नाम है और बलूचिस्तान का नाम इन्होंने जो है वो रोशन किया है। आज इस मैच में भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी और प्रीवियस मैचेज़ में जो है ना ये बड़े उम्दगी से फॉर्म करके आ रहे हैं। जूनियर प्लेयर्स को काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है इनसे। सर, हम आपको वेलकम कहते हैं, क्या कहेंगे इस बलूचिस्तान सुपर लीग के हवाले से? सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि आप लोग YouTube पे दिखा रहे हो, ये बड़ी बात है और ये बलूचिस्तान के लिए बड़ी बात है, यंग प्लेयरों के लिए, आगे फ्यूचर के लिए के प्लेयर्स आ जाए और देखें। और ये बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह की टूर्नामेंट अगर बलूचिस्तान में होंगे तो इंशाल्लाह जल्दी इंटरनेशनल क्रिकेट में बलूचिस्तान का प्लेयर आएगा। जी जी बिल्कुल। सर, आप जो है इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं, वहाँ पे प्लेयर्स के साथ आपने अपना ड्रेसिंग रूम जो है वो शेयर किया है, इस इवेंट को देख के जो है ये कितना मुस्बित साबित हो सकता है, स्पेशली जो जूनियर प्लेयर है, जो बलूचिस्तान का यंग टैलेंट है, जो ग्रास रूट से अभी आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैंने टेस्ट प्लेयरों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किए कि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। इसी तरह अगर हमारे साथ यहाँ पे एक लड़के खेलते हैं तो हम उनको बहुत कुछ बताते हैं कि आपने आगे क्रिकेट के लिए ये काम करने और इस तरह ये आपके काम आ जाएंगे। और इस तरह के अगर टूर्नामेंट बलूचिस्तान में हर जगह में होंगे तो इंशाल्लाह जल्दी पाकिस्तान टीम के लिए प्लेयर बलूचिस्तान से आएंगे। जी जी बिल्कुल। ये भी बताएँ कि इस इवेंट में क्या क्या चीज़ों को जो है डिवेलप करना होगा, फ्यूचर में जो है क्या क्या तब्दीलियाँ लेकर आनी होंगी जिससे इवेंट जो है मजीद सक्सेसफुल और मजीद जो है प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिले। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे अफसोस की बात है कि हमारे बलूचिस्तान के यहाँ पे नाइट ग्राउंड नहीं है और ये भी जो आर्मी वालों ने करवाए तो इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना अच्छा टूर्नामेंट और इतना अच्छा माहौल बना के रखे। तो मेरी यहाँ पे जो बलूचिस्तान के जो प्रेसिडेंट है या रीजन के हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मोटी स्टेडियम में जिस तरह के और स्टेडियम बनाए यहाँ पे, अच्छी अकेडमीज बनाए तो ताकि प्लेयर खेले उसमें और आगे आ जाए। जी जी बिल्कुल। ये बताएं कि अपनी टीम को आप जो है वो इस इवेंट में जो है आपने अच्छा परफॉर्म किया है और क्या कुछ सीखने को मिला है, स्पेशली आपके जो जूनियर प्लेयर्स हैं जो आपके साथ खेले हैं, क्या उन्होंने जो है वो सीखा है यहाँ पे और वो फ़ायदा मंद उनके लिए साबित हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल, हमारे साथ जब खेलते हैं बैटिंग में भी जब खेलते हैं हम उनको सिखाते हैं कि सिंगल किस तरह बनाना है और लॉन्ग आपने खेलना किस तरह है, ज़्यादा पार्टनरशिप किस तरह लगाना है। तो हमारी कोशिश यही होगी कि हमारे साथ जो जूनियर खेलते हैं हम कोशिश करते हैं कि उनको कुछ सिखाए कुछ बताएं। लास्ट में मैसेज क्या दोगे बलूचिस्तान सुपर लीग के हवाले से उन व्यूवर्स को, उन लोगों को जो इस वक्त स्क्रीन पे आपको देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं इन जो भी करवा रहे हैं जी नसीबला है उसके साथ और मेंबर है जो इस तरह के अच्छे टूर्नामेंट करवा रहे हैं तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी अच्छा टूर्नामेंट इस तरह का करवाएगा और मैं क्राउड से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए देखे और जो देखने के लिए आते हैं तो क्राउड, ताकि फिर प्लेयर भी अच्छे परफॉर्म करते हैं। चलिए चलिए चलिए, बेस्ट ऑफ लक जलाद खान जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हमारी नेक ख्वाहिशात हैं इनके साथ कि फ्यूचर में जो है वो पाकिस्तान टीम को जो है रिप्रेजेंट करें, बलूचिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान का नाम भी जो है वो रोशन करें। जी।